हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सपो एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा व छोटा। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट नंबर 5 है। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है, जिससे की वजह से आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हैं और दोस्तों आप किसी भी मतलब आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह कौन कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो ब्रिटिश संग्रहालय है, जो कि लंदन में स्थित है। तो ये दोस्तों उसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वह नेशनल लाइब्रेरी है, जो कि कीव रूस में स्थित है। तो दोस्तों, ये इसको आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो कि USA में स्थित है। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा सबसे विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे विशाल मंदिर है वह अक्षरधाम मंदिर है, दोस्तों, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे लंबा वृक्ष है वह फाउंडर का वृक्ष है। तो दोस्तों, वृक्ष का जो नाम है वह फाउंडर का वृक्ष है, जो कि कैलिफोर्निया USA में स्थित है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, वह चीन में स्थित है, जो कि पूर्वम स्टेनली के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 7 की बात करें, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। विश्व का जो सबसे विशाल ज्वालामुखी है वह माउना लोआ ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह माउंट कोटोपेक्सी है, जो कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 9 की बात करें, विश्व का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे चमकीला तारा है वह साइरस अथवा डॉग स्टार है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की बात करें, विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे विशाल नदी है नदी नहीं दोस्तों, यहाँ पर जलसंधि है। विश्व की जो सबसे विशाल जलसंधि है वह दोस्तों तार की जलसंधि है, जो कि रूस की मुख्य भूमि तथा शाखालिन द्वीप के मध्य में स्थित है। तो ये दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, विश्व प्रश्न नंबर 11 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह एटोजा रिजर्व है, जो कि नाबिया में स्थित है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 12 की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वह बेगड़ा हवाई अड्डा है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो दोस्तों, ये विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जो कि तिब्बत में बना हुआ है। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 13 की बात करें, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वह शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओहाइरे फील्ड USA में स्थित है। तो दोस्तों, ये USA में स्थित है। तो ये दोस्तों हवाई अड्डा बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 14 की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा होटल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा होटल है वह उस होटल का नाम है वेस्ट्यू स्टैमफोर्ड नाम है और सिंगापुर में स्थित है। दोस्तों, ये 73 मंजिल का है। तो ये विश्व में सबसे ऊँचा होटल माना जाता है, जो कि 73 मंजिल इमारत है और जो कि सिंगापुर में स्थित है। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की बात करें, तो विश्व का जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वह सुपर डोम लुसियाना USA में स्थित है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 16 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा पार्क है वह येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि USA में स्थित है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की बात करें, विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वह अल्जीरिया लीबिया में स्थित है। तो दोस्तों ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की बात करें, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वह साइबेरिया में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र है वह एग्वालिना स्टेशन है, जो कि रूस में स्थित है। तो दोस्तों इसकी जो क्षमता है वह 1450 मेगावाट की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है वह हमिंग बर्ड है। तो दोस्तों ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों आप बताना कि किस प्रकार की आपको वीडियो और चाहिए, जो नॉलेज पर्पस से या एग्जामिनेशन पर्पस से। तो दोस्तों उसी प्रकार की हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखा करिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।